हेलो एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द एक्सपर्ट पावर्ड बाय वेव्स, नाम ही काफी है। ग्रुप ए में आपने देखा काफ़ी मैचेस जो है बारिश की नज़र हुए हैं, इसलिए उस ग्रुप का नाम मैंने अपने हिसाब से तो बारिश वाला ग्रुप रख दिया था, क्योंकि काफ़ी रेन अफेक्टेड मैचेस हैं उसमें। और ग्रुप ए का ही आज मैच था, आयरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और आपने देखा होगा कि आयरलैंड ने जिस तरह टॉस जीत के पहले जो है फील्डिंग का फैसला किया, जो कि मेरे ख्याल से उनके लिए काफ़ी गलत साबित हुआ है। 180 रन खाना ऑस्ट्रेलिया से, और ऑब्वियसली मैच तो जीत ही नहीं सकते थे, इसलिए वो मैच हार गए। आयरलैंड ने टोटल 137 किया है और वो 42 रन से मैच हार गए। लेकिन इस मैच में जो मुझे काफी अच्छी चीज लगी वो आयरलैंड की बॉलिंग और फील्डिंग। क्या ख्याल है आप लोगों का? ये पहले ये बताएं कि अब एक ग्रुप ए का नाम बारिशों वाला ग्रुप है, दूसरे वाले का क्या जिले वाला नाम? नहीं, दूसरे ग्रुप का नाम है फेल ग्रुप, क्योंकि पाकिस्तान ही निकल गया ना उसमें से। हां वैसे बाकी वो बड़ा दुख वाली बात है। वो छोड़ दो यार, उस ग्रुप का नाम जो है फेल और एक्टिंग वाला ग्रुप रख लेना, जिस तरह कल इंडिया ने एक्टिंग की है मैच में। यार एक्टर्स बहुत अदृश्य हैं सारे। पाकिस्तान चला गया, मतलब निकल गया। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, आपको ये बताना था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने बोला था मुझे आज ना बिठाओ, पर जबरदस्ती लेकर आए। आप उसकी जबरदस्ती चाय पिला रहे हैं ताकि आप होश में आए। हाँ पता है चाय कितनी लेट आई है। आपको बिठाने का मतलब ये, आज जब बाहर बैठती है व्यूज बड़े अच्छे मिलते हैं, इसलिए हमने कहा आपको बिठा दे शो में। ये तो आपको पता है कि वन ऑफ द एक्सपर्ट है, ये गपशप तो चलती रहेगी, लेकिन थोड़ी सी मैच की भी अगर बात करें कि आयरलैंड की फील्डिंग जो है आज ओवरऑल बहुत अच्छी रही है। अच्छा हां, वो बहुत अच्छी रही है। वो क्या नाम है, मैं कार्थी, मैं कह रही थी। आप कह रही थी, आप कह रही थी, मैं कार्थी। मतलब आपने तब से कह ही रही है मैच, उसने बड़ा अच्छा वो जो छिका हो रहा था उसने रोक लिया। आप तो जब से आई कही जा रही है, क्या क्या खाया था आज आपने जो कही जा रही है? आप कही जा रही है, आपने वो देखे कुछ ज़ॉम्बीज़ और अजीब से, क्या ज़ॉम्बीज़ और हेलोवीन? अजीब और गरीब शक्लें ही होती है ना। सऊदीया में भी हो गया, पाकिस्तान में भी हो रहा था। ये काफी एक स्ट्रेंज चीज है कि सऊदीया में भी जो है ना वो हेलोवीन सेलिब्रेट हो रहा है। हेलोवीन तो चले अब छोड़ दे, सिनेमाज भी खुल चुके सऊदीया में, अब तो सऊदीया में सब कुछ ही हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो वहाँ पे, और हम क्रिकेट की बात करने थोड़ी सी नहीं छोड़े क्या? तो मुझे बुलाया, आज नहीं होती। लेकिन आप मुझे फिर मुझे क्यों बुलाया? आपको इसलिए बुलाया, चाय क्यों बुलाया आपको? चाहिए चाय बुलाए हम। अच्छा वैसे टी20 मैच में कितने ओवर होते हैं? मुसलमानों तो क्या लगाओ, अच्छा एक ओवर में कितनी बॉल्स होती है? मैं गूगल करके आती हूँ। ये हमारे वोना भी एक्सपर्ट है, क्रिकेट के शो में बैठे हैं और क्रिकेट की एबीसी भी नहीं पता, क्योंकि वोना भी एक्सपर्ट है तो ऑब्वियसली इनको नहीं भी पता हो। तो हम लोगों को कौन सा पता, आपको कौन सा पता है? सबको पता तो किसी को भी नहीं है, सारे जो है ना एक्सपर्ट बनने आए हैं, एक्सपर्ट इनमें से कोई भी नहीं है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया जो है दूसरे नंबर पे आ गया, तो चांसेस यही है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का अभी जो है ना सही मुकाबला चल रहा है, कि इंग्लैंड आगे आएगा न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड तो क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। इंग्लैंड आगे आएगा या ऑस्ट्रेलिया आगे आएगा ये हमें देखना है। आप लोग वैसे किसके साथ जाते हैं? इंग्लैंड के साथ हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हमें सेमीफाइनल में हरा दिया था। अच्छा 2021 बुरी लगती है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, आज भी आयरलैंड के साथ थी। मारते हैं और दूसरा कैच भी ऐसे पकड़ते हैं सुपरमैन के बच्चे हैं लिटरली। पाकिस्तान आपने कल पाकिस्तान की शर्ट पहन दिया। पाकिस्तान का अगला मैच किसके साथ है बताती हूँ, बताएं। पाकिस्तान का अगला ये है, पाकिस्तान चाय के बाद बताऊंगी। अच्छा जो चाय पी के थोड़ी फ्रेश हो जाए फिर बताएंगे। मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का, जब तक आप जवाब नहीं देंगे प्रोग्राम नहीं खत्म होगा, प्रोग्राम नहीं खत्म होगा जब तक आप जवाब नहीं देंगी। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और ऑब्वियसली इंग्लैंड के बीच अभी सही मुकाबला है कि न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल कौन खेलेगा, क्योंकि वहां से ग्रुप बी में आप देखें तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी है, इंडिया के अभी चांसेस है, पाकिस्तान के
समझ लें कि बीगा पाकिस्तानी फैन हम कह सकते हैं कि यार कोई कुदरत का करिश्मा हो जाए, दुआ करनी पड़ेगी। दुआ पाकिस्तानी टीम यहाँ तक आई किससे? दुआओं से आई है। और लास्ट टाइम आपने कहा था ना दुआ करो तो कुछ हो जाएगा, दुआ की आपने कहा, हमने कर ली, आज देख लो क्या हुआ। आपने फिर ये दुआ क्योंकि अल्लाह पाकिस्तान बाहर हो जाए, फिर कह रही मैं ट्रू पाकिस्तानी सपोर्टर है या ये वही ट्रू पाकिस्तानी सपोर्टर है कि अब कल दुआ कर था कि वो इंडिया जीत जाए। ये कर रहा था दुआ। हाँ, ये आप देख लो, सपोर्टर ना टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, अपनी टीम के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ ऑब्वियसली। इससे साफ लगाएं कि मैं ऐसा पैशनेट हूँ कि मुझे पाकिस्तान के सेमीफाइनल के लिए इंडिया के लिए दुआ करनी पड़ी है कि इंडिया जीत जाए। दुआ कर रहे हो आप? ये दुआ कर रहा हूँ कि कुछ इस तरह का हो कि बस किस तरह का हो जाए कि बस पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। पाकिस्तान इंडिया से बदला ले सकता है। वैसे आपको पता है अगर इंडिया जिम्बाब्वे से हार जाए और पाकिस्तान जान बूझ के बांग्लादेश से हारे जिस तरह इंडिया कल हारा है, तो इंडिया भी बाहर है, जिम्बाब्वे से क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। इस पोस्ट में स्पेस थोड़ी हुई है कल इंडिया की, इंडिया ने उनकी ओवर एक्टिंग, वो तो एक्टिंग है। वो विराट कोहली आपके हाथों को कैच छोड़ ला, उसके बाद वो रोहित शर्मा की जो एक्टिंग थी वो तो ऐसे ऐसे कह रहे थे, पता नहीं ऐसे ऐसे। ओ मैंने मीम देखा था एक, वो शुक्र मुझे याद आ गया, विराट कोहली पता नहीं वो कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ है पता नहीं, कुछ क्या हुआ है, एक्टिंग दुकान खोल ली है कोई। मेरे ख्याल से बॉलीवुड से फिल्म ऑफर हो जानी चाहिए अब विराट और रोहित को। हाँ वो पता नहीं वो एक और भी मीम चल रहा था कल, मैं अनुष्का का एक मीम देख रहा था कि उनकी जो बेटी है विरुष्का, अनुष्का ने उसको गोद में उठाया और ऊपर लिखा हुआ है कि वाह मामा पापा तो आपसे भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। लेकिन ये मीमर्स का जो दिमाग चलता है मेरे ख्याल से, मीमर्स को हैट्स ऑफ है कि जो कोई सिचुएशन आए फौरन मीम्स। रबी आप भी मीमर बन जाए, आप भी कुछ मीम्स बनाए, क्या पता कुछ क्या पता हो जाए, है ना? थोड़ा दिमाग यूज कर ले उसमें, मुझे पता है कि दिमाग लगेगा। अगर मीमर दिमाग यूज कर ले तो मीम्स थोड़ी बनेंगे यार, ये बात ये भी तो एक चीज है। लेकिन पहला मीम ऑक्सी पे आ रहा है, फिर मैं खुश हूँ आप बनाए मीम, लेकिन आप दिमाग यूज करना पड़ेगा। आपने दो चीजों का वेट करना है ना, ये दूसरी चीज़ है। पहली चीज तो आप अभी बताएंगी ना मुझे प्रोग्राम में, जरूर बताओ। ये इंतजार आप भी इंतजार करें, मैं भी इंतजार करूंगा कि राबिया ने दो चीजें बतानी है, वो कब तक बताएंगी, ये ना हो कि इंतजार की घड़ियां खत्म ही ना और वर्ल्ड कप खत्म हो जाए। आप लोग कमेंट करना शुरू कर दें। अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये जो है ना प्रोग्राम जो है ना बस इसी तरह वन ऑफ द एक्सपर्ट्स का चलता रहेगा, पावर्ड बाय वेव्स है, वो भी आप लोगों को पता है क्योंकि वेव्स का नाम ही काफी है, और सर्दियां आ रही हैं और वेव्स का स्टडियस हीटर भी साथ साथ आ रहा है, तो वो भी ले, अगर आप नहाते तो है नहीं सर्दियों में लोग डर के मारे, लेकिन आप वेव्स का अगर स्टडियस हीटर लेंगे ना तो फटाफट पानी। वैसे एक क्वेश्चन है यार, एक मिथ है पता नहीं क्या है कि लोग पता नहीं सर्दियों में हफ्ता हफ्ता नहीं नहाते, वजह क्या है? स्पेशली सुनने में आता है, आपने नाम नहीं, राबिया एक मिनट, आपने नाम नहीं लिया लेकिन चोर की दाढ़ी खुद फंस गई है राबिया ये बात करके। अच्छा ग्रुप ए में जो है ना अभी जो है कंडीशन काफ़ी सिचुएशन इस तरह की चल रही है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्योंकि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुका है, और अगर वहाँ से ऑब्वियसली इंडिया क्वालिफाई करता है तो इंडिया भी सेकंड नंबर पे आएगा, तो इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ मैच पड़ेगा। पता है आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप ए ब्लड ग्रुप हमेशा एक ही होना चाहिए, बी पॉजिटिव और नेगेटिव ना मिलता ही नहीं है ना। हां बी पॉजिटिव, ये आप यहां पे मोबाइल यूज कर रहे हैं, स्कोर कार्ड देख रही थी भाई जिस तरह से हमने कहा, मतलब आपने नहीं नहीं चलता रहेगा। तो अब देखते हैं कि ग्रुप ए की क्या पोजीशंस बनती है, और कल भी ऑब्वियसली ग्रुप ए के दो मैचेस हैं उनमें भी देखेंगे, क्योंकि कल इंग्लैंड का भी मैच है, इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, तो उसमें देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। सो स्टे ट्यून्स, वन ऑफ द एक्सपर्ट पावर्ड बाय वेव्स, क्योंकि नाम ही काफी है। Waves, नाम ही काफी है।